हेलो दोस्तों, आई एम रवि तोमर इन यू वॉचिंग ऑटो ऑस्ट्रेलिया। भाई सामने आप गाड़ी देख रहे हो स्कोडा की स्लाविया, और ये एम्बिशन वेरिएंट है 1 लीटर TSI जो कि सेकेंड वेज है। तो इसमें क्या कुछ मिलता है और क्या प्राइस है, सब कुछ हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट से। इस तरह इसके हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं कम्प्लीट, यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हो, और यहाँ DRLs मिल जाते हैं। अब इसके अपर वेरियंट्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको LED कंप्लीट सेटअप रहने वाला है, और यहाँ पे आपको हेलोजन मिलने वाला है ओनली। यहाँ पे नीचे आपको हेलोजन में ही फोग लैंप मिल जाते हैं, और इसके सराउंड पे क्रोम का अच्छे से सराउंड किया गया है। इस तरह से ग्रिल मिल जाती है, अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया है, और बीच में पियानो फिनिक्स और ब्लैक में और मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जो कि काफ़ी सही नज़र आ रहा है। बड़ा सा स्कोडा का लोगो मिल जाता है, और इस तरह से बोनट काफ़ी मस्कुलर डिजाइन किया गया है, जो कि काफ़ी सही लुक आ रहा है। इस तरह से वही टिपिकल स्कोडा डिजाइन, फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है इनकी, नीचे आपको बम्पर मिल जाता है, बॉडी कलर ही रहने वाला है। इस तरह से एयर सर्कुलेशन के लिए वेंट्स जो कट्स दिए हैं नेट में, जो काफ़ी सही आ रहे हैं। हॉर्न आपको यहाँ पर दिख जाएंगे अंदर, ये सेटअप हॉर्न के हैं जिनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। इस तरह से ओवरऑल आपको फ्रंट मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये ओवरऑल साइड प्रोफाइल है, और काफ़ी अच्छा खासा इसकी लेंथ है। पहले के अकॉर्डिंग जो आपकी रैपिड आती थी उसके अकॉर्डिंग में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी बनाई गई है। तो 2651 mm का लंबा आपको बड़ा व्हील वेज मिल जाता है, 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। एंड टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ आपको जो मिलने वाला है, गुडियर के टायर मिलेंगे। जिसकी प्रोफाइल की बात करें 2050 by R16, तो 16 इंच के आपको एलो व्हील्स मिलेंगे, जो कि नॉर्मल है। टॉप वेरियंट्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको डायमंड कट देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल मिलने वाले हैं। डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं फ्रंट में, यहाँ स्कोडा का बैच मिल जाता है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। ORBMs पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड बॉडी कलर ORBM रहने वाले हैं। डोर हैंडल पे आपको क्रोम देखने को मिलेगा विद रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में। तो इस तरह से ओवरऑल आपको साइड प्रोफाइल इसकी मिल जाती है। ऊपर की बात करें तो आपको यहाँ पे सनरूफ नहीं मिलता है, क्योंकि ये सेकेंड वेरियंट है। अब इसके ऊपर के वेरियंट में जाओगे तो आपको सनरूफ देखने को मिलेगा। साकफिन एंटीना मिल जाता है, जो कि ब्लैक डॉट रहने वाला है एंड ग्लोसी फिनिश के साथ में। फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इसमें। एंड रियर की बात करें तो रियर में आपको ये प्रोफाइल रहने वाली है। स्कोडा का बड़ा सा लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे बैच मिल जाएगा यहाँ पे, एंड स्लाविया का बैच। इस तरह से टेल लाइट्स रहने वाले हैं, हेलोजन सेटअप भी है, मतलब एक स्ट्रिप जो यहाँ पे है ये आपको LED मिलेगी, बाकी यहाँ पे हेलोजन ही रहने वाले हैं। नॉर्मल बल्ब डिफोगर मिल जाते हैं, इस तरह से तीन पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको, एंड कैमरा की प्लेसिंग यहाँ पे मिलती है इस तरह से। तो बम्पर और रिफ्लेक्टर्स, दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं यहाँ पे इस तरह। तो ये ओवरऑल इसका एक्सटीरियर मिलने वाला है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके बूट में। बूट जो मिलता है आपको 521 लीटर का बूट मिल जाता है, काफ़ी बड़ा और यूजेबल है। और स्पेयर व्हील 15 इंच का है, 195/55 R15, मतलब आपको एक साइज़ छोटा मिलने वाला है नॉर्मल व्हील से। और सीट्स आपको 50 फोल्डेबल हैं, तो वहाँ पे अगर सीट डाउन करते हो तो और भी ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छे से कवर किया गया है। क्वालिटी की बात करें तो डोर दरवाजे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह से की मिलने वाली दो, जो कि रिमोट की है, प्लस आपको फ्लिप की केस मिलेगी अनलॉक बूट एंड लॉक के साथ में। रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड है, तो अगर की आपके ये पॉकेट में होगी तो आप डायरेक्ट खोल सकते हो, आपको इसके स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रंट डोर ट्रिम आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, डुअल फिनिश में आपको डोर ट्रिम का डिज़ाइन मिलने वाला है। यहाँ पे बेज कलर और बाकी ब्लैक का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक की पैडिंग मिल जाती है हैंड ग्रिप के लिए, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। स्पीकर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बोतल होल्डर, और ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडो के, और ये ORBMs के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ग्लॉस फिनिश दिया है, और क्रोम में आपको डोर हैंडल मिल जाएगा। एंट्री की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल मिलेगा, पर ये मैनुअल मिलने वाला है। ये सीटिंग फैब्रिक में रहने वाली है, क्योंकि ये नीचे लोअर वेरियंट से। अंदर की बात करें तो ये ओवरऑल आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील इसका आता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा लगता है। और लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है विद स्टिचेस के साथ में, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। एसी वेंट्स बहुत ही सर्कुलर में दिए हैं, और डिज़ाइन जिसका काफ़ी सही आ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना डिटेलिंग वाला काम किया है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्लॉस एंड क्रोम का अच्छा सा यूज़ किया है यहाँ पे, और
हेडलैम्प कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है आपको, ये ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है बड़ा सा, एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, 6-speed मैनुअल गेयर बॉक्स, अब ये मैनुअल के साथ में आती है तो यहाँ पे मैनुअल है, और इस तरह से सेंटर कंसोल मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 1 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सी टाइप के 2 पोर्ट मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और स्पेशली ये डायल जो है ये बहुत ही, मतलब इनकी क्वालिटी बहुत सही लग रही है, और यूज़ करने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से ओवरऑल आपको डैशबोर्ड रहने वाला है फ्रंट का। क्वालिटी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स काफ़ी सही है, यहाँ पे देखिए स्कोडा, जगह जगह पे स्कोडा वगैरह भी बैचिंग रखी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी सही लग रहा है, और क्वालिटी ऑन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल काफ़ी सही है। ये आपको बोर्ड्स थोड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि कोल्ड ऑप्शन के साथ में आता है, यहाँ ग्लोव्स मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा मैट टाइप है, और ये आपको नॉर्मली प्लास्टिक, क्वालिटी को मतलब काफ़ी सही है नो डाउट। IRBM मिल जाता है जो कि मैनुअल है, वेंटी मिरर, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, लाइट्स। इसके MID की बात करते हो आपको कुछ इस तरह से MID रहेगा, जिसके कंट्रोल भी आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट, और ये सेटअप ट्रिप सेट करने का मीटर दिया है यहाँ पे, इस तरह से आपको बटन देख सकते हो, और ये देखिए यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ये यहाँ पे चेंज हो रहे हैं मोड्स, जिसको आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस इसका आने वाला है इसके साथ में, और इसको इस तरह से अनलॉक हो गई, और जिसका मतलब यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और स्मूथली वर्क करता है, और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को दोनों को ही सपोर्ट करता है, और नेविगेशन सिस्टम इनबिल्ट आता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा हो जाता है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली, तो उस हिसाब से भी चला सकते हो। इसको बंद करते हैं पहले। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग आपको ओनली टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें नहीं मिलने वाला है, तो वो आपको देखना रहेगा। इस तरह से आपको मीटर्स मिल जाते हैं, तो ये कंप्लीट आपको फ्रंट रहने वाला। सीटिंग का कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग हालांकि बिल्कुल टॉप मॉडल जैसे ही है, ग्रिप वगैरह काफ़ी सही है, अंदर साइड सपोर्ट और साइड पोस्चर, बट आपको यहाँ पे ओनली फैब्रिक में मिलने वाले, वहाँ पे आपको लेदराइज मिलते हैं। ये हैंडबैग मिल जाता है, हैंडबैग नॉर्मल रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बैग नहीं रहने की रहेगी, और यहाँ पे टेक्सन कंट्रोल, ये सारे लॉक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आप चलते हैं इसके रियर सीट, रियर डोर ट्रिम की बात करते हैं, यहाँ पे सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे एक पावर विंडो मिल जाता है, वाटर होल्डर, स्पीकर, इस तरह से सीटिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, जैसे कि मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया था इसको, और स्पेस देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जा रहा है, यहाँ पे आप मोबाइल भी रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको रख के बताऊँ, ये देखिए इस तरह से तो आप मोबाइल रख सकते हो, यहाँ पे मैगजीन होल्डर वगैरह, एसी वेंट्स मिल जाते हैं, 2C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पे, और आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर, तीनों ही हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको तीनों ही पैसेंजर के लिए, जो कि काफ़ी सही है। अब इसकी सीटिंग की बात करें तो काफ़ी सही है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे, मतलब ज़्यादा कटआउट्स नहीं दिया है मिडिल रो को, तो इस वजह से दिक्कत नहीं ज़्यादा आने वाली है, बम भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वहाँ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे लाइव रीडिंग लैंप मिल जाते हैं दोनों ही साइड पे, तो इस तरह से आपको ओवरऑल रियर मिल जाता है, यहाँ पे आइसोफिक साइड लुक मिल जाते हैं, सीट बेल्ट मिल जाते हैं तीनों ही पैसेंजर के लिए, जो कि काफ़ी सही है। अब स्पीकर की बात करें तो स्पीकर इसमें 6-4 स्पीकर मिल जाते हैं, और 2 ट्विटर के साथ में, और 2 एयरबैग रहने वाले हैं। अब हालांकि जो इससे ऊपर के वेरिएंट है वहाँ पे 8 स्पीकर आते हैं, 6 एयरबैग आते हैं, पर वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है, इसमें आपको ओनली 4 स्पीकर मिलने वाले हैं विद 2 एयरबैग्स के साथ में। बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो इंजन ऑप्शंस में 2 आने वाले हैं, एक 1 लीटर का TSI और एक 1.5 लीटर का TSI। ये पर्टिकुलर जो वेरियंट है वो 1 लीटर TSI के साथ में आता है। अब इसमें 113 हॉर्स पावर की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, और अगर 1.5 लीटर का TSI की बात करें तो वहाँ पे आपको 147 हॉर्स पावर की पावर मिलेगी और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 12,70,100 रुपये इसकी, और अगर जी उसमें जाते हो 1.5 में, वो GT वेरिएंट के साथ में, वो ओनली एक ही ऑप्शन के साथ आता है, तो उसकी प्राइसिंग कम से कम 18 से 19 लाख पहुँच जाएगी आपको, बट उसमें पावर भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, और सेफ्टी में आपको एयरबैग मिल जाते हैं, स्कोडा की सेफ्टी मिलती है, जो कि आप जानते हो किस तरह से होती है। नॉर्मली फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और पीछे आपको नॉर्मली ड्रम रहेंगे, 2 एयरबैग मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में,
और सेफ्टी में भी आप देखिए कि इनका बॉडी फ्रेम किस तरह से डिजाइन होता है, तो सेफ्टी में भी आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रगेड और स्ट्रॉन्ग गाड़ी फील होने वाली है डेफिनेटली। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तो हम आए हुए हैं स्टेलर स्कोडा बड़ोदरा में। तो अगर आप स्कोडा की कोई भी गाड़ी सर्च कर रहे हो, आप स्कोडा का प्रोडक्ट देख रहे हो, तो आप यहाँ पे आइए, बहुत ही स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस वगैरह जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट कर सकते हो।